सवाल है, अमालनामा लिखने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? जवाब है करामन कातिबीन। सवाल है, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह किसने पढ़ा? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम किस नबी के बेटे थे? जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के। सवाल है, फिरौन की बेटी का निकाह किस पैगंबर से हुआ? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम। सवाल है, बैतुल मुकद्दस की बुनियाद किसने रखी थी? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, जोहर की नमाज सबसे पहले किसने पढ़ी? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने। सवाल है, क्या नमाज के दौरान सांप या बिच्छू दिखे तो नमाज तोड़ सकते हैं? जवाब है तोड़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि अल्लाह ताला के नबी हजरत याकूब अलैहि सलाम का असल नाम क्या था? जवाब है हजरत याकूब अलैहि सलाम का असल नाम इसराइल था, जिसके मानी अब्दुल्ला है। सवाल है, हजरत इमाम मेहदी अलैहि सलाम किस उम्र में दुनिया में नाजिल होंगे? जवाब है 40 साल की उम्र में। सवाल है, जन्नत की लाठी किसे कहते हैं? जवाब है हजरत मूसा अलैहि सलाम का आसा मुबारक। सवाल है, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत इदरीस अलैहि सलाम के दरमियान मुलाकात कब और कहाँ हुई? जवाब है शबे मेराज में चौथे आसमान पर। क्या आप जानते हैं कि हजरत आदम अलैहि सलाम की औलाद में सबसे पहले नबुव्वत किसको मिली? जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को औलादे आदम में सबसे पहले नबुवत मिली। सवाल है, रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक कैसी है? जवाब है मुश्क बू से भी बेहतर। सवाल है, अल्लाह ताला के वो कौन से नबी हैं जिनकी चार पुश्तों को नबुवत का शर्फ हासिल हुआ? जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सवाल है, नमरूद के खानदान में किसने इस्लाम कबूल किया था? जवाब है बेटी ने। सवाल है, क्या आप जानते हैं कि हजरत आदम अलैहि सलाम से पहले अल्लाह ताला ने जिन्नों को कहाँ बसाया था? जवाब है हजरत आदम अलैहि सलाम से 8,000 साल पहले अल्लाह ताला ने जिन्नों को जमीन में बसाया था। सवाल है, सुलह हदीबिया के वक्त कुरान मजीद की कौन सी सूरत मुबारक नाजिल हुई थी? जवाब है सुलह हुदैबिया के वक्त कुरान मजीद की सूरत फतह नाजिल हुई थी। सवाल है, क्यामत के दिन पुल सरात पर से सबसे पहले कौन गुजरेगा? जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवाल है, किस कबीले ने खिलाफते उस्मानिया की बुनियाद रखी थी? जवाब है काई कबीला।
सवाल है, सबसे पहला अजाब किस कौम पर आया? जवाब है कोमेनू अलैहिस्सलाम पर। सवाल है क्या आपको मालूम है कि पहले रूह को पैदा किया गया या जिस्म को पैदा किया गया? जवाब है इब्न हजम फरमाते हैं कि इस पर इज्मा है कि पहले रूहें पैदा की गईं। सवाल है वो अल्लाह ताला के कौन से प्यारे नबी हैं जो कि दज्जाल को कत्ल करेंगे? जवाब है हजरत ईसा अलैहि सलाम आकर दज्जाल को कत्ल करेंगे। सवाल है किस वक्त नमाज पढ़ना मना है? जवाब है सूरज निकलते वक्त। सवाल है जन्नत के दरोगे का क्या नाम है? जवाब है रिजवान। सवाल है कुरान मजीद में कितनी मस्जिदों का जिक्र आया है? जवाब है तीन। सवाल है 8 हिजरी में ही फतह मक्का के बाद शवाल में कौन सा गजवा पेश आया? जवाब है गजवाए हुनैन। सवाल है वो कौन सी चीज है जिसे देखना सुन्नत, डालना फर्ज और निकालना हराम है? जवाब है मुर्दे को देखना सुन्नत, कब्र में डालना फर्ज और कब्र से बाहर निकालना हराम है। सवाल है कुरान मजीद में कितने सजदे हैं? जवाब है 14। सवाल है क्या गैर मुस्लिम के घर दावत पर खाना खाया जा सकता है? जवाब है जायज है। सवाल है कुरान मजीद का सबसे पहले किस जुबान में तर्जमा किया गया? जवाब है लातीनी जुबान में। सवाल है किस नबी की 100 बीवियां थीं? जवाब है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की। सवाल है मेराज के सफर में बराक की लगाम किसके हाथ में थी? जवाब है हजरत मीकाईल अलैहिस्सलाम। सवाल है वो कौन से नबी हैं जिन्होंने कभी कुएं का पानी नहीं पिया? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम, आपने हमेशा बारिश का पानी ही पिया, कुएं का कभी नहीं। सवाल है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के वक्त कौन सा आतिशकदा था जो बुझ गया? जवाब है फारस का आतिशकदा। सवाल है कौन से नबी 1000 साल तक जिंदा रहे? जवाब है हजरत आदम अलैहिस्सलाम। सवाल है खुतबे के दौरान खाना पीना और बातचीत करने का क्या हुक्म है? जवाब है खुतबे के दौरान खाना पीना, बात करना, सुभान अल्लाह कहना, सलाम का जवाब देना या नेकी की बात बताना हराम है। सवाल है दुनिया में मुस्लिम ममालिक कितने हैं? जवाब है 57। सवाल है किस नबी को सबसे पहले कुर्बानी का हुक्म मिला? जवाब है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सवाल है उस फरिश्ते का नाम क्या है जिसके चार मुंह हैं?
जवाब है बर्क। जवाब है बर्क। जवाब है बर्क। सवाल है हजरत यूसुफ अलैहि सलाम के वाहिद सके भाई का क्या नाम था। वाहिद सके भाई का क्या नाम था। वाहिद सके भाई का क्या नाम था। जवाब है बुनियामैन। जवाब है बुनियामैन। जवाब है बुनियामैन। सवाल है गज़वे बदर के मौके पर मुसलमानों के पास कुल कितने घोड़े थे। कुल कितने घोड़े थे। जवाब है दो घोड़े। जवाब है दो घोड़े। जवाब है दो घोड़े। सवाल है जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं। जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं। जिन्नात कितनी किस्म के होते हैं। जवाब है तीन किस्म के। जवाब है तीन किस्म के। जवाब है तीन किस्म के। सवाल है हज़रत आदम अलैहि सलाम का कद मुबारक कितना था। सलाम का कद मुबारक कितना था। सलाम का कद मुबारक कितना था। जवाब है साठ हाथ। जवाब है साठ हाथ। जवाब है साठ हाथ। सवाल है हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितना अरसा शरीक हयात रही। कितना अरसा शरीक हयात रही। कितना अरसा शरीक हयात रही। जवाब है हजरत खदीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 25 या 24 साल शरीक हयात रही। या 24 साल शरीक हयात रही। या 24 साल शरीक हयात रही। सवाल है इंसानी तारीख का सबसे लंबा सफर कौन सा है। का सबसे लंबा सफर कौन सा है। सबसे लंबा सफर कौन सा है। जवाब है मेराज शरीफ का। जवाब है मेराज शरीफ का। जवाब है मेराज शरीफ। सवाल है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने मकदार पानी से गुस्ल फरमाते थे। कितने मकदार पानी से गुस्ल फरमाते थे। कितने मकदार पानी से गुस्ल फरमाते थे। जवाब है एक सौ पानी मतलब 3 किलो 150 ग्राम। मतलब 3 किलो 150 ग्राम। मतलब 3 किलो 150 ग्राम। सवाल है कौन सा ऐसा बदबخت मोमिन है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर में मोमिन ही नहीं। जवाब है जिसको उसके अहल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा महबूब हो। सवाल है वो कौन सी अजीम हस्ती थे जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंधे मुबारक पर सवार होकर बुत तोड़े। कंधे मुबारक पर सवार होकर बुत तोड़े। जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो। जवाब है हजरत अली रजी अल्लाह ताला। सवाल है किस सहाबी की नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ी गई। नमाज जनाजा 70 मरतबा पढ़ी गई। नमाज जनाजा 70 मरतबा। जवाब है हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब की। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब की। हजरत हमजा बिन अब्दुल मुत्तलिब। सवाल है सबसे ज्यादा लंबे लोग किस कौम के थे। सबसे ज्यादा लंबे लोग किस कौम के थे। सबसे ज्यादा लंबे लोग। जवाब है कौमे आद के। जवाब है कौमे आद के। जवाब है सवाल है अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सबसे ज्यादा किसका हुक्म दिया है। सबसे ज्यादा किसका हुक्म दिया है। जवाब है नमाज का। जवाब है नमाज का। जवाब है सवाल है कौन से नबी ने 180 शहर तामीर किए। नबी ने 180 शहर तामीर किए। जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। जवाब है हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने। जवाब है हजरत इदरीस। सवाल है सबसे पहले कागज किसने तैयार किया था। सबसे पहले कागज किसने तैयार किया था। सबसे पहले कागज किसने। जवाब है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। जवाब है हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने। जवाब है हजरत यूसुफ। सवाल है हजरत अबू जर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मुसलमानों में अफजल कौन है। कि मुसलमानों में अफजल कौन है। कि मुसलमानों में। जवाब है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसके हाथ और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। और जुबान से दूसरे। सवाल है हजरत हवा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने शजर ममनू के कितने खोशे तोड़े थे। शजर ममनू के कितने खोशे तोड़े थे। शजर ममनू के कितने। जवाब है 7 खोशे तोड़े। जवाब है 7 खोशे तोड़े। सवाल है कौन से नबी का निकाह फरिश्तों ने पढ़ाया था। कौन से नबी का निकाह फरिश्तों ने पढ़ाया था। कौन से नबी का निकाह। जवाब है हजरत शीस अलैहि सलाम। जवाब है हजरत शीस अलैहि सलाम। जवाब है। सवाल है वो कौन सा पानी है जिसका एक घूंट पीने से दोबारा प्यास नहीं लगेगी। एक घूंट पीने से दोबारा प्यास नहीं लगेगी। एक घूंट पीने से दोबारा। जवाब है हौज़े कौसर का पानी। जवाब है हौज़े कौसर का पानी।
वो अल्लाह ताला के कौन से नबी हैं जिन्होंने सबसे पहले मुर्ख पाला? जवाब है, हजरत आदम अलैहि सलाम ने सबसे पहले मुर्ख पाला। सवाल है, जब लोगों को जहन्नुम में डाला जाएगा उस वक्त कितनी उम्र होगी? जवाब है 33 साल। सवाल है, हजरत आदम अलैहि सलाम दुनिया में आने के बाद कितने दिन भूखे रहे? जवाब है 40 दिन। सवाल है, कौन सी कौम पर अल्लाह ताला ने आंधी का अजाब नाजिल किया था? जवाब है कौम आद। सवाल है, अल्लाह ताला के किस नबी की कश्ती जोदी नामी पहाड़ पर जाकर ठहरी थी? जवाब है, हजरत नूह अलैहि सलाम की कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहरी थी। सवाल है, कुरान मजीद में जहन्नुम का जिक्र कितनी दफा आया है? जवाब है 70 बार। सवाल है, दुनिया का वो कौन सा बादशाह है जिसने सबसे पहले अपने सर पर ताज रखा था? जवाब है नमरूद का नान बादशाह, जो कि हजरत इब्राहिम अलैहि सलाम के जमाने का था। सवाल है, वो कौन सा शख्स है जो फतह मक्का पर सबसे पहले मुसलमान हुआ था? जवाब है हजरत अबू सफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो। सवाल है, अल्लाह ताला ने जिन्नात को कब दुनिया में बसाया था? जवाब है, अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहि सलाम से 60,000 साल कब जिन्नात को जमीन में बसाया था? सवाल है, अहले कुरैश पर अल्लाह ताला के इनामात का कहां जिक्र किया गया है? जवाब है सूरत कुरैश में। सवाल है, सफरे ताइफ से वापसी पर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सी सूरतों की तिलावत फरमाते रहे? जवाब है सूरत जिन और सूरत काफिरून। सवाल है, इलामा इकबाल की वफात कब हुई? जवाब है 21 अप्रैल 1938 को। सवाल है, किस नमाज को पढ़ना फर्ज ऐन और इसकी कजा हराम है? जवाब है नमाज जुम्मा। सवाल है, तांबे के चश्मे अल्लाह ताला ने किस नबी के लिए जाहिर किए? जवाब है हजरत सुलेमान अलैहि सलाम। सवाल है, मुहर्रमुल हराम का नाम किसने तजवीज किया? जवाब है हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, गज़वा अहमद में किस सहाबी ने हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में जान दी? जवाब है हजरत ज़ियाद बिन सिकन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने। सवाल है, फारसी जुबान में हजरत सलमान फारसी रजी अल्लाह ताला अन्हो के बाद किसके तर्जमे का जिक्र मिलता है? जवाब है सादी शेराजी। सवाल है, कुफर और इस्लाम की पहली जंग किस मुकाम पर हुई थी? जवाब है बदर के मुकाम पर। सवाल है, जन्नत और जहन्नुम में पहले कौन पैदा हुआ था? जवाब है जन्नत।
जवाब है जन्नत। सवाल है, सबसे पहले अरबी किसने बोली थी? सवाल है, सबसे पहले अरबी किसने बोली थी? जवाब है, हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम। जवाब है, हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम। सवाल है, आसमान पर सबसे पहले किस फरिश्ते ने नमाज पढ़ी? आसमान पर सबसे पहले किस फरिश्ते ने नमाज पढ़ी? जवाब है, हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम। जवाब है, हजरत जिब्राइल अलैहि सलाम। सवाल है, हजरत मूसा अलैहि सलाम को किस चीज में बंद करके दरिया में बहा दिया गया था? जवाब है, संदूक। जवाब है, संदूक। सवाल है, हजरत हूद अलैहि सलाम की कौम पर किस किस्म का अजाब आया? हजरत हूद अलैहि सलाम की कौम पर किस किस्म का अजाब आया? जवाब है, हवा और आंधी का अजाब। जवाब है, हवा और आंधी का अजाब। सवाल है, रूह जिस्म से कितने साल पहले पैदा की गई थी? सवाल है, रूह जिस्म से कितने साल पहले पैदा की गई थी? जवाब है, 2000 साल। जवाब है, 2000 साल। सवाल है, किस नबी के जनाजे में 40,000 आलिम शामिल थे? किस नबी के जनाजे में 40,000 आलिम शामिल थे? जवाब है, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम।